हेलो गाइस सर, वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूं मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। एंड जी हां, हम आ चुके हैं टेडी एसएमपी में वापस कई दिनों के बाद। मेरे हिसाब से महीने से भी ज्यादा हो गया होगा। अब देखो, कई दिनों से मैं सारे एसएमपी मेंबर्स को बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है टेडी एसएमपी की, लेकिन भाई सब इतने बिजी हो रहे हैं कि कोई आता ही नहीं है मेरी वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए। अब देखो, पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब फाइनली मैं एक लीडर बन चुका हूँ इस एसएमपी का। तो अब तो भाई मैं मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी कर सकता हूँ। और गाइस सच बताओ ना, तो मैं भी आजकल एक एसएमपी में काफी ज्यादा खेल रहा हूँ। तो गाइस अब आपसे क्या छुपाना, प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने एज ओपो एसएमपी, जो कि बाकी एसएमपी से बिल्कुल अलग है। अब देखो, मेरे को 30 सेकंड दो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। अब एसओपो एसएमपी में आप क्या है कि आप अपना खुद का एरिया क्लेम कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो, सबसे पहले मैं अपना एरिया क्लेम करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आपको इनका ऐप डाउनलोड कर लेना है, देन आपको गूगल से साइन अप कर लेना है, बिल्कुल सेफ है। देन इसके बाद आपको अपना गेमर टैग डालना है। गेमर टैग डालने के बाद आपको इनके ऐप में आके 500 कॉइन मिलेंगे, जिनसे कि आप अपना खुद का एरिया क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया क्लेम करा, एंड देन इसके बाद जैसे ही मेरा एरिया क्लेम हुआ, देन मैं सीधा गेम में आया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी ये गोल्ड ब्लॉक लगे हुए ना, इसके अंदर का एरिया मेरा, यानी कि यहाँ पे मैं चेस्ट बनाऊ, घर बनाऊ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां से लेकर टिल बेडरॉक तक। और गाइस इनके ऐप में बहुत ज्यादा सस्ते कॉइन्स मिलते हैं, जिन कॉइन्स की मदद से आप इसमें एक एसओपो हीरो पास बाय कर सकते हो, जिसमें आपको कमाल की चीजें मिलती हैं। एंड गाइस इस एसएमपी के और भी फीचर है, लाइक यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। रिसेंट में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसका प्राइस पूल 20,000 रुपीज का था। तो यस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस एसएमपी में आओ, खेलो और आपको पता चल जाएगा। भाई मैं तो लिटरली आजकल बहुत ज्यादा खेल रहा हूँ इस एसएमपी में, हो सकता है कि हम आमने सामने इस एसएमपी में मिले। तो आपके स्क्रीन पे आईपी आ रखी है और डिस्क्रिप्शन में आईपी है, वहां पे आ जाओ। और साथ ही साथ आप इनका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो। खैर अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ी सैंड कलेक्ट कर देता हूँ। गाइज मेरे हिसाब से मैंने इनफ सैंड कलेक्ट कर लिया है। एंड गाइज अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सैंड क्यों कलेक्ट करी है और नेक्स्ट चीज मैं क्या लेने जा रहा हूँ। तो यस, यहाँ पे मैं सारा गन पाउडर ले लूंगा। और भाई एक क्रीपर आया, खैर छोड़ो उसको हम बाद में देखेंगे। और गाइज अब हम बनाने वाले हैं बहुत सारे TNT। यस। एंड गाइज अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे TNT का करने क्या वाला हूँ, बस देखते जाओ भाई। एंड गाइज अभी सैंड कम हो गई है, तो सैंड ओके, यहाँ पे सैंड और है भाई, बहुत बढ़िया यार। एंड यहाँ पे बन चुके हैं 2 stack TNT, जो कि मेरे हिसाब से इनफ होंगे। और यहाँ पे 2 stack and half से भी थोड़ा कम। खैर बचा हुआ माल मैं इसमें डाल देता हूँ वापस। एंड हमको चाहिए फ्लिंट और एक आयरन। एंड फटाफट सो के मैं एक बार दिन कर लेता हूँ। तो चलो गाइस, फाइनली दिन हो चुका है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने TNT क्यों बनाया है। तो गाइस देखो, अगर आप मेरी जगह इस SMP के लीडर होते तो क्या करते, मतलब एक बार माफ कर देते, दो बार माफ कर देते, क्या तीसरी बार भी आप माफ कर देते, मतलब शायद आप कर देते। तो गाइस लीडर होने के नाते हम इन सब के घर को उड़ाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, लेट्स गो भाई। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट टाइम से ये वीडियो बनवाने जरूर आई करेंगे, अब ये कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले ऋषभ का घर उड़ाने वाले हम, भागो, लेट्स गो। भाई साहब, भाई ये सब जब देखने आएंगे ना तो देखेंगे घर का क्या ही हाल हो गया। खैर ऋषभ का घर उड़ा दिया, और सामने की तरफ वो किसका घर है, वैनम का घर। यस, और काम की चीजें हम छोड़ देंगे, जैसे कि ये एंचेंटिंग रूम, ये पोर्टल वगैरह। और ये पहुंच चुके हैं हम वैनम के घर पे। एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बहुत सारी TNT। एंड बूम गाइस, भाई मेरे को नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन होप सो भाई इससे उनको सबक सीखने को मिले और इसके बाद वो ज्यादा एक्टिव रहे SMP में। गाइस लीडर बनने के अपने कुछ फायदे हैं। और गाइस यस, हम फार्म्स वगैरह को भी छोड़ने वाले हैं। हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सबके घर उड़ाना, सिर्फ हीरो ब्राइन एंटिटी और मोब्स का छोड़ के, बिकॉज उनको तो मैं जब भी बुलाऊंगा वो आ जाते हैं, लेकिन भाई ये तीनों बंदे नहीं आते, तो इनको तो भाई सबक सिखाने पड़ेगा। और भाई मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी के घर में लगी है ना, वो पांडा के घर में लगी है। भाई सच बताऊँ ना, तो पांडा का घर उड़ाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन भाई पांडा भी नहीं आया, तो यस उसको भी सबक सिखाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेट्स गो गाइस, 2 TNT यहाँ पे लगाओ, एंड बूम गाइस, ठीक है। और अब बहुत सारे TNT मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, भाई बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है, पूरा घर उड़ जाएगा। लेट्स गो, ठीक है गाइस, क्या आप सभी तैयार हैं? बूम, ये ब्रेड खाते खाते तबाही। एक सेकंड, वो नीचे की तरफ भी कुछ था,
भाई इन चेस्ट में क्या रखा है, जाके देखते हैं। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे चेस्ट में कुछ खास तो है नहीं, तो भाई ये अंडरग्राउंड बेस किस लिए बना रखा था, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। कोबलस्टोन वगैरह मेरे को लगा यार डायमंड्स वगैरह होंगे, तो अभी फिलहाल मैं फटाफट अपना डायमंड कारोबार बना लेता, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइस फाइनली मैंने भाई इन तीनों के घर उड़ा दिए, ऋषभ का, पांडा का एंड वेनम का भी। भाई ये अच्छे से उड़ा नहीं है, एक सेकंड। अब इसका घर अच्छा है तो भाई हम पूरी तरीके से नहीं उड़ा रहे, हम इतना छोड़ देते हैं। तो गाइस मेरे को नहीं पता कि अब ये कितनी देर में आएंगे, तो चलो इनके आने का हम वेट करते हैं और इनका रिएक्शन देखेंगे कि इनका रिएक्शन कैसा होता है अपने घर को ऐसा टूटा फूटा देखने के बाद में। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो हम जा रहे हैं यहाँ से दूर किसी केव वगैरह में डायमंड माइनिंग करने, बिकॉज फिलहाल की बात करें तो हमारे पास अभी तक आयरन का आर्मर है और भाई डायमंड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे मेरे को माइनिंग के लिए केव तो मिल ही जाएगी, और वो सब भी भाई किसी भी टाइम आते होंगे। और यहाँ पे दूर दूर तक तो मेरे को कहीं पे भी केव वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही है। ओके सामने की तरफ एक केव है, मैं फटाफट वहां पे चलता हूँ। ये केव बस बहुत ज्यादा गहरी हो जो मेरे को नीचे तक ले जाए, मेरे को माइनिंग की जरूरत ना पड़े। भाई ये तो शुरुआत ही खत्म हो गई यार, या फिर रिविन भी मिल जाए तो भी सही है भाई। तो गाइस पता नहीं मेरे को केव या रिविन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लगता है मेरे को यहीं से सीधा नीचे माइनिंग करके जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, इधर कहीं। अरे एक सेकंड भाई, तुम सब यहाँ एकदम से कैसे भाई, ये क्या चल रहा है? एक सेकंड मैं बीसी ज्वाइन करता हूँ। हेलो 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 ऋषभ पांडा, हेलो 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 भाई, क्या चल रहा है ये एकदम से तुम मेरे सामने कैसे आए? तुम्हें पता चल गया क्या सरप्राइज? तुम्हें पता चल गया क्या? भागो क्या, मैं क्या पता चल गया? अरे भागो मत, हम तो आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं यार। मतलब गाइस एक सेकंड मैं माइक बंद कर रहा हूँ। गाइस पता नहीं भाई ये एकदम से सामने कैसे आए और इनको भी कुछ पता भी नहीं है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स गो। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ बताओ क्या हुआ, कैसे भाई, कहाँ एकदम से भाई, कहाँ गए थे चारों घूमने? तुम्हें भाई वीडियो के लिए बोला था, तुम इतनी लेट आ रहे हो यार। अरे हम यार थोड़ा बिजी हो रखे थे ना, तो किस चीज में बिजी हो रखे थे? मतलब थोड़ा अपना घर का वगैरह काम था और दो वीडियो बनाने का ही टाइम मिल पा रहा था, तो उसमें ही खेल रहे थे बस। भाई सही है यार, भाई यार तुम अपनी अपनी वीडियो बना लो। ये बताओ कि तुम अभी एकदम से कैसे आए, मतलब चारों साथ में कहाँ थे? तो गाइस बता दें। अरे हाँ क्यों नहीं भाई बताओ। अरे नहीं नहीं रुक जाओ भाई, सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहने दे, वहां जाके दिखाते हैं सीधा। ठीक है चलो हीरोइन ले चलो हमें। कैसे क्या है भाई, ये अलेक्सा उधर क्यों खड़ी है भाई, क्या ये क्या है? अरे साथ में एलेक्सा कहाँ खोई हुई थी भाई, कहाँ लेके जा रहे हो हीरोब्राइन? चलो ले चलो चलो हीरोब्राइन ले चलो चलो हीरोब्राइन। अरे भाई ये कहाँ लेके, अरे भाई ये तो मेरा पुराना सर्वाइवल वर्ल्ड है। एक सेकंड ये सब कुछ वापस से कैसे बन गया भाई, क्या चल रहा है पांडा ऋषभ, बताओगे मेरे को तुम? भाई बता दे फिर फाइनली। हाँ बताओ मेरी आंखों के सामने सब कुछ क्या चल रहा है भाई, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी है, जल्दी बताओ। तो भाई वेलकम टू योर ओल्ड सर्वाइवल वर्ल्ड अगेन, हमने और हीरो ब्राइन ने मिलके, क्योंकि तुम अभी अभी लीडर बने हो, तो अब सबको हम सबको मिलके एक सरप्राइज देना था तुमको। तो हमने क्या किया कि हीरो ब्राइन के साथ मिलके एक तुम्हारा जो पुराना वर्ल्ड था उसको रिक्रिएट किया, जिससे कि तुम्हारी पुराने यादें ताजा हो पाए। भाई साहब मतलब कि ये सब तुमने वापस से बिल्ड किया है? हाँ, इसलिए तो हम बिजी थे ना थोड़े दिन। भाई यार थैंक यू सो मच गाइस। और एक सेकंड मेरा पुराना वर्ल्ड तो सर्वाइवल था, ये तो हार्डकोर है। हाँ लेकिन तुम अभी सोच रहे थे ना हार्डकोर स्टार्ट करने की, तो हमने सोचा क्यों ना इस वर्ल्ड में तुम हार्डकोर स्टार्ट कर देना। भाई यार भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा यार कि मेरा पुराना वर्ल्ड मेरी आंखों के सामने जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। भाई गाइस एक बात बता, तुमने ये सब तो बिल्ड कर दिया लेकिन क्या अब इस वर्ल्ड पे कोई खतरा है कि नहीं है? मतलब मेरे को लग रहा है खतरा होगा तो फिर ये सब वापस से तबाह हो गया। तो नहीं नहीं अभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एंटिटी तो ऑलरेडी हमारे पास है, नल का तो कोई अता पता है नहीं, और अगर वैसे भी वो आ जाता है तो एंटिटी और हीरो ब्रेन तो है ही हमारे साथ, तो अभी के लिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ तुम्हारी बात तो सही है। और एक सेकंड भाई हीरो ब्रेन, हमने ये तुम्हारा सामने जो स्टैचू बनाया ये कैसा लगा था तुम्हें? और आप समझ में आया एक सेकंड कि तुम्हें एंटिटी को क्यों नहीं लेकर आए? भाई यहाँ एंटिटी की तो बेइज्जती है, और ये खैर इसको हमें तोड़ना पड़ेगा और हीरो ब्राइन को दोनों टांगों पे खड़ा करना पड़ेगा। भाई यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, मेरा पुराना वर्ल्ड नेदराइट बीकन मेरा भाई, जिसके लिए मैंने इतने महीने ग्राइंड किया था, मेरे वर्ल्ड बिगेस्ट फार्म। भाई सब कुछ रिवील्ड कराया गया तुमने? हाँ सब कुछ, सब चीजें तो कर दी है, बस एक दो फार्म छोड़ के, डुप्लीकेटर फार्म या कोई कोई से, मतलब उन सबको छोड़ के। ओ भाई चलो यार कोई नहीं, तुमने इतना कर दिया वही बहुत है। और मेरा वर्ल्ड का बिगेस्ट वीट फार्म भी वहीं पे है क्या? हाँ वहाँ पे ही है। भाई उसको तो मेरे को देखना है गाइस एक बार। भाई मेरा फार्म,
भाई ऐसे टीज है भाई, कितना बड़ा ही है, इसको यहाँ से तो देख ही नहीं सकते। भाई ट्रेडेंट फॉर्म भाई डिट्टो बना दिया भाई तुमने तो, मतलब मानना पड़ेगा हीरो ब्राइन ने अपनी पावर्स का यूज कुछ किया है। भाई थैंक यू गाइज यार, तुमने मेरे को इतना अच्छा सरप्राइज दिया लीडर बनने पे। क्या ही बताऊँ, मैं अभी के लिए इतना ज़्यादा खुश हो चुका हूँ ना कि अब फाइनली मैं इस वर्ल्ड को कंटिन्यू कर सकता हूँ, फिर से मैं बड़े बड़े फार्म्स बना सकता हूँ और इस बार हार्डकोर में। भाई चैलेंज डिफिकल्ट होने वाला है, तो थैंक यू सो मच गाइज। तो अभी क्या तुम मेरे सर्वर में रुक रहे हो या फिर जा रहे हो टेडी एसएमपी में? हम यहाँ से बस कुछ चीज़ें चुरा के जा रहे हैं। अरे यार भाई ले जाओ, वैसे भी बहुत ही चीज़ें हैं यहाँ पे, तो भाई तुम कुछ भी लेके जा सकते हो। भाई इतने बड़े बड़े फार्म है ना कि मेरे से जिंदगी भर ये सब खत्म नहीं होंगे, अगर मैंने बीट तोड़ी ना तो जब तक ये सीरीज चलेगी ना भाई तब तक मेरे पास ब्रेड की कमी नहीं होगी। बहुत बड़ा। अरे भाई तुम्हें जो चाहिए वो ले लो फटाफट और मैं एक बार इधर उधर और चीजें देख लेता हूँ। भाई मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, वहाँ पे 45 ब्लॉक्स पड़े थे नेदरराइट के, उठा लो एंकर। भाई मैं तो यहाँ से सर्कल बॉक्स लेके जा रहा हूँ। अरे यहाँ पे तो एक भी भाई आयरन गोलम क्यों नहीं स्पॉन करे तुमने? ऐसे वो खुद हो जाएंगे भाई। चलो कोई नहीं, वो मैं कर लूंगा। भाई गाइस अपना ट्रेडिंग हॉल भी सब कुछ सही सलामत है। भाई कहाँ पे हो, इधर आओ जल्दी से। अच्छा आ रहा हूँ, और एक सरप्राइज है भाई आपके लिए, जल्दी। अरे भाई कितने सरप्राइज हो गए यार, भाई खुशी के मारे। भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रखी है फिलहाल। क्या सरप्राइज है बताओ, जल्दी आओ इस तरफ। तो जाओ यहाँ पे, कहाँ हो तो? भाई यार लीडर बनने पे इतना कुछ मिल जाता तो भाई मैं पहली लीडर बन जाता यार। इस सामने कासा लेना तुम्हारा, इसके गेट के पास। अरे ये एक सेकेंड भाई, ये आर्मर। ऐसी चीजें छोड़ी थी। अरे भाई यार ट्राइडेंट से मत मारो यार, तो हाँ मानना पड़ेगा गाइज इनको तो याद नहीं होगा लेकिन हीरो ब्राइन को एक एक चीज याद थी मेरे वर्ल्ड की, कौन सी चीज कहाँ पे थी। तो भाई उसने एज इट इज वैसा का वैसा बना दिया है, सामान तक भाई सेम रखे हुए हैं। भाई मैं तो भूल भी गया था लेकिन हीरो ब्राइन को सब कुछ याद था, तो भाई हीरो ब्राइन को थैंक्स तो बोलना बनता है। हीरो ब्राइन हेलो, थैंक यू सो मच भाई यार, थैंक यू सो मच, तुमने मतलब रुला दिया भाई मेरे को, थैंक यू। चलो गाइज तुम सब घूमो फिरा। ठीक है भाई, ओके। तो गाइस फिलहाल की बात करें, भाई मैं तो यार इन बंदों को बहुत ही गलत समझ बैठा था, ये मेरी वीडियो बनवाने इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे थे। और भाई अभी तो ये टेडी एसएमपी में जब जाके देखेंगे कि इनका घर ही गायब है तो भाई पता नहीं मेरा क्या करने वाले हैं ये। गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, भाई शिट यार मैंने क्या कर दिया भाई, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी डिसीजन नहीं ले लिया मैंने। खैर अब जो होगा वो देखा जाएगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में, लेकिन फिलहाल की बात करें तो यस फाइनली अब अपने पुराना सर्वाइवल वर्ल्ड हार्डकोर हो चुका है और इसकी अब आने वाली है तगड़ी तगड़ी वीडियोस, तो रेडी रहना। और बाकी इनका घर डिस्ट्रॉय करा है वो भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट टेडी एसएमपी की वीडियो में, और बाकी इन सबकी वीडियो देख लेना इनका रिएक्शन क्या होंगे मेरे को नहीं पता। तो चलो गाइस यही थी यार आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूं आप सभी को ऐसी एक और न्यू कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।